स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं, कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ ही साथ नागरिकों और प्रशासन में एक भविष्योन्मुख सोच भी विकसित हुई है, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, और लोग ये सोचने लगे हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या हासिल करना है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जहां हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ा सकते हैं, नए लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि सोच में जब परिवर्तन होती है तभी जमीन पर परिवर्तन शुरू होता है। विशेष रूप से पिछले 3-4 वर्षों की उपलब्धियों पर अगर आप नजर डालेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई ऐसे माइलस्टोन अचीव किए हैं जिनके बारे में शायद पहले हम सोच नहीं सकते थे। आप सबके सहयोग से, पंचायती राज व्यवस्था के मित्रों की भागीदारी से, प्रशासन के हमारे सहयोगियों के अथक परिश्रम से कभी जो असंभव दिखता था उसे लोग संभव मानने लगे। अमृतकाल में हम सबको नया लक्ष्य भी बनाना होगा, नया संकल्प भी लेना होगा और सोनमर्ग के साथ पूरे गांधरबल जिले के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी विकास की प्राथमिकताएं भी नए सिरे से तय करनी होगी। दो पंक्तियां मैं कहूंगा, ये पांव रुक गए क्यों बेनिशान मंजिल पर, ये पांव रुक गए क्यों बेनिशान मंजिल पर, यहां से नया रास्ता निकालना था मुझे, ये जिंदगी जो मेरे नाम से इबारत थी, ये जिंदगी जो मेरे नाम से इबारत थी इसे कुछ और बनाना संवारना था मुझे, गांधरबल को संवारने, बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने। और आज हमारा देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम सबको नए संकल्प लेने होंगे। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज इस तेज गति से तरक्की हो रही है उसकी गति और आगे जाए, इसमें हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि निजी विकास, इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ पूरी शिद्दत से समाज के सभी वर्गों के साथ हम मिलकर चलें ताकि स्वतंत्रता का लाभ और विकास का लाभ हर एक परिवार तक पहुंच सके। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3-4 वर्षों में हमने अनेक प्रयास किए हैं तरक्की के लिए, लोगों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा हो,
उससे होने वाले लाभ वंचित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाएं। ये कोशिश रही है पिछले वर्षों में कि हम अपने नौजवानों, किसानों और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें।